हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कुक फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि दूसरे भी इससे कुछ सीख सके। आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे से यानी काकड़ी से फ्रेंकी, जो बहुत इजी है और थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियाँ लगेगी पहले हम वो देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे हम लेंगे एक खीरा मीडियम साइज़ का। तीन मीडियम साइज़ के आलू मैंने बॉईल करके लिए हैं। पत्ता गोभी जो मैंने चॉप करके लिए है आधी कटोरी। फ्रोज़न मटर लिए हैं मैंने आधी कटोरी। यहाँ पे मैं मैदा लूँगी 2 से 3 चम्मच। आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर लूँगी आधी चम्मच। हींग लेंगे हम चुटकी भर। हल्दी पाउडर लेंगे आधी चम्मच। अदरक और मिर्च की पेस्ट लेंगे 1 चम्मच। लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। जीरा लेंगे हम यहाँ पे आधी चम्मच। धना जीरा पाउडर लेंगे 1 चम्मच। गरम मसाला लेंगे आधा चम्मच। सौंफ लेंगे हम आधा चम्मच। चीज़ लेंगे हम 500 ग्राम्स मैंने लिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतनी ले सकते हैं। गेहूं का आटा लेंगे आधा कप। तेल लेंगे 1 कटोरी। मैं यहाँ पे पहले एक बर्तन ले लेती हूँ और इसमें खीरे यानी ककड़ी को कद्दूकस कर लूँगी। इसे ग्रेट मैं इसलिए करती हूँ ताकि इसका जो पानी है वो हमें निकालना बहुत इजी हो जाए। हमें पानी निकाल के फिर इसे यूज़ करना है, इसलिए हम पहले इसे ग्रेट कर लेंगे। मैंने रिसेंटली खीरे की टिक्कियाँ भी डाली हैं अपने चैनल पर। मैं आई बटन पे उसका लिंक शेयर कर दूँगी आपके साथ, तो आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। वो भी बहुत टेस्टी बनती हैं और चाय के साथ इसे आप ले सकते हैं, जो बहुत यम्मी लगती हैं। अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारी ककड़ी जो है, जो खीरा है वो ग्रेट हो चुका है। अब मैं इसे एकदम ग्रेट हो चुका है अच्छे से, मैं इसे साइड में ढक के रख दूंगी ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। और मैंने दूसरा बर्तन ले लिया है, इसमें मैं आलू को कद्दूकस कर लूँगी यानी ग्रेट कर लूँगी। आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप हर एक स्टेप्स ध्यान से देख सकें और उसे फॉलो कर सकें। आप अगर गाय गाय में या जल्दबाजी में देखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिस कर जाएंगे और इसे बनाने में कोई ना कोई गलती ज़रूर कर बैठेंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। रोज़ रात 9 बजे मैं कुक फैक्ट्री पे एक नया वीडियो डालती हूँ, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारी रेसिपी को जितना हो सके आप उतना शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे कुछ सीख सकें। अब आप देख सकते हैं हमारे आलू भी कद्दूकस हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मटर ले लेंगे हम यहाँ पे। पत्ता गोभी ले लेंगे। नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार। गरम मसाला,
अदरक मिर्च की पेस्ट, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है, मैंने इसलिए आपको इंग्रेडिएंट्स पे नहीं बताया, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, धना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अमचूर पाउडर, जीरा, और लास्ट में हम डालेंगे इसमें सौंफ यानी वरियारी, जिससे इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। अब हम क्या करेंगे, हम जो ककड़ी हमने रखी थी साइड में उसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और उसे दोनों हाथों के बीच में प्रेस करके इसका पूरा पानी निकाल लेंगे, और जो आलू पत्ता गोभी और मटर में जो हमने मसाले किए हैं ये हम उसमें डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी मटर लिए हैं, आपको अगर चाहिए तो आप अपने हिसाब से इसमें सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे गाजर, बीन्स, आप अगर ऑनियन खाते हो तो इसमें आप ऑनियन गार्लिक भी डाल सकते हैं। और ये जो ककड़ी का पानी है आप बिल्कुल भी इसे फेंकिएगा नहीं, इसमें आप थोड़ी शक्कर, नमक, चाट मसाला डाल के एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग जूस बना सकते हैं, और इसमें मिंट ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो इसमें ककड़ी डाली है, आलू सब, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे घर में ये फ्रैंकी सबको बहुत पसंद आती है, और मेजॉरिटी फ्रैंकी जब हमारे घर में बनानी हो तो हम खीरे की ही फ्रैंकी बनाते हैं, क्योंकि ये सबको बहुत ही पसंद आती है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ ये आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी। अब इसका स्टफिंग एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं आटा भून लेती हूँ और इसे थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ। मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कटोरी, नमक डाल दूंगी मैं इसमें, मून के लिए मैंने तेल लिया है यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा भून लूंगी। आपको चाहिए तो आप मैदे का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या गेहूं का आटा और मैदे का आटा मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आटा भी मैंने ऑलमोस्ट वो हमारा भून चुका है। इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अंदर स्टफिंग में आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। मैं चीज़ ऊपर से डालने वाली हूँ, आपको चाहिए तो आप वो भी अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हमारा आटा भून के हो चुका है, हम इसकी लुइयां कर लेंगे। ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये 4 से 5 जन को आप सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा प्रेस करके फ्लैट कर देंगे ताकि हमें रोटी बनाने में थोड़ी इजी हो जाए।
अब ये रेडी है, हम रोटियां बेल लेते हैं। हमें एकदम पतली रोटी नहीं बेलनी है, थोड़ी मोटी रखनी है हमें रोटी। बहुत ज़्यादा पतली होगी अगर रोटी तो हम जब इसमें स्टफिंग भरेंगे ये फट भी सकती हैं। मैंने साइड में तवा रख दिया है गरम करने। अब हमारी रोटी बेल के एकदम रेडी है और तवा भी एकदम गरम हो चुका है, तो हम रोटी को तवे पर डाल देंगे और दोनों साइड तेल लगा के मैं एकदम गोल्डन इसे सेक लूँगी। आपको चाहिए तो आप इसमें सेकने के लिए बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम तेल लगा लेंगे इसके ऊपर। जितना हो सके आप हमारी रेसिपी को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे कुछ सीख सकें और एक नई नई रेसिपी सीख सकें। अब हम इसे पलट लेंगे। हमें दूसरी साइड भी तेल लगा लेना है। अब आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, रोटी फूल रही है हमारी। अब हम इसे पलट लेंगे। इस पे ऊपर भी तेल लगा लेंगे हम। एक साइड हमारा पूरा पक चुका है, दूसरी साइड हम चेक कर लेते हैं, आधा ही पका है तो हम दूसरी साइड उसको पकने रख देंगे और इस साइड हम सॉस लगा देंगे या पिज़्ज़ा सॉस भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मगर मैं अभी टमाटो सॉस यूज़ कर रही हूँ। टमाटो सॉस स्प्रेड कर लूँगी मैं रोटी पर। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस अवेलेबल हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हमने जो स्टफिंग बनाई है वो मैं रख दूंगी इसके ऊपर। अब मैं इसे थोड़ा लंबा रखूंगी ताकि फोल्ड करने में दिक्कत ना हो, और मैं हमेशा फ्रैंकी की स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही भरती हूँ। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डाल दूँगी। अब अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम चीज़ डाल सकते हैं, मुझे ज़्यादा चीज़ पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा डाला इसमें। और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे फोल्ड करके 2 मिनट तक हम इसे पकड़ के रखेंगे ताकि ये एकदम एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। आप देख सकते हैं एकदम चिपक गया ये एक दूसरे के साथ। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। हमारी फ्रैंकी एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और रोज़ रात 9 बजे एक नया वीडियो आपकी वेट कर रहा होगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें।
और ये रेसिपी बनाने में आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और जितना हो सके आप हमारी रेसिपी को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। बाय बाय।